कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम। अगले दिन हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, पाठ का नाम है लक्ष्य भेद परीक्षा, जिसमें 6 श्लोक हम पढ़ा दिए पहले का। 6वें श्लोक में हम बताए थे कि जब द्रोणाचार्य परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर को तैयार किया, युधिष्ठिर को आदेश दिया कि तुम जो है धनुष बाण तान करके और इस पेड़ के ऊपर बैठे हुए गिद्ध को लक्ष्य बनाकर खड़े हो जाएंगे, तो युधिष्ठिर गुरु के वाक से प्रेरित होकर के धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसके बाद सातवें श्लोक में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, तको वितत धारुवानं द्रोणं कुरु नंदनं। भरतासुर जो है कुरु नंदनं है युधिष्ठिर का विशेषण, भरत वंश में श्रेष्ठ, तो भरतासुर कुरु नंदनं यानी भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से तको वितत धारुवानं, इसके बाद धनुष ताने हुए थोड़े ही देर में यह वचन बोले, यानी इसके बाद धनुष ताने हुए भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य जो है थोड़े ही देर में, वह द्रोणाचार्य थोड़े देर में ही इदम वचनम हुआ, यानी यह वाणी बोले। क्या बोले? वह जो है 8वें श्लोक में है, यह वचन बोले। क्या कहे? कि पश एनम तम धूम अग्रस्तम भाषम नरवर आत्मन। नरवर आत्मन माने नर माने मनुष्य में श्रेष्ठ, नरवर नरवर माने मनुष्यों में श्रेष्ठ, अर्थात राजा आत्मन माने पुत्र, यानी राजा का पुत्र राजकुमार, नरवर आत्मन माने राजकुमार। तो पश एनम तम धूम अग्रस्तम भाषम नरवर आत्मन, यानी पश्चिम माने देखो, एरम माने इसको, तुम पेड़ के अगले हिस्से पर बैठे हुए गिद्ध को नरवरात्मन माने राजकुमार, अरे राजकुमार तुम जो है पेड़ के अगले हिस्से पर बैठे हुए इस गिद्ध को देखो। यही द्रोणाचार्य कहे कि अरे राजकुमार पेड़ के अगले हिस्से पर बैठे हुए इस गिद्ध को देखो। तो पश्चापि ही आचार्य, अरे देख तो ही रहा हूं आचार्य, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर कहा कि अरे आचार्य मैं देख तो ही रहा हूं, यानी जब वो कहे पेड़ के ऊपर बैठे हुए गिद्ध को देखो राजकुमार, तो युधिष्ठिर प्रतिवाद है, युधिष्ठिर उत्तर दिए कि पश्यामि इति एव आचार्य, अरे देख तो ही रहा हूं आचार्य। दो श्लोक का क्या कहे थे? सबूतान। जब यह कहे कि मैं देख तो ही रहा हूं, तो सब मन द्रोणाचार्य पुनः तम प्रतिभाषण, थोड़े ही देर में द्रोणाचार्य पुनः फिर प्रतिभाषण उत्तर दिए, यानी उनसे कहे, थोड़े ही देर में द्रोणाचार्य जो है फिर उनसे कहे, यानी युधिष्ठिर से कहे, अर्थ वृक्ष एवं मामवा, कहे कि इस वृक्ष को अथवा अथवा भाइयों को प्रोफेशन बन देख रहे हो, कहे कि वृक्ष को अथवा मुझको अथवा भाइयों को किसको देख रहे हो? तो ही कहे कि वृक्ष को इमम इस वृक्ष को मां अथवा मुझको भ्राती अथवा भाइयों को प्रोफेशन बन देख रहे हो। तो जब वो कहे कि थोड़े ही देर में द्रोणाचार्य जो फिर से कहे कि इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा भाइयों को देख रहे हो, अब अगले श्लोक में
तम वा सहकामते, तम माने उनसे, वाच माने कहे, सहकामते वह कामते माने कुंती के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर, कामते माने युधिष्ठिर। इसके बाद वह युधिष्ठिर उनसे कहे कि पश्यामि एनम वनस्पति, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूं, भवंतम च और आपको देख रहा हूं, तथा मैं वैसे ही भ्राति भाइयों को भी देख रहा हूं, भाषण च और जब मैंने इस प्रकार और उसी प्रकार गिद्ध को भी पुनः पुनः मैंने बार बार देख रहा हूं। यानी यही कहे कि मैं वह कुंती के पुत्र कहे कि पश्चात मैंने वनस्पति मैंने इस वृक्ष को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, उसी तरह से भाइयों और गिद्ध को बार बार देख रहा हूं। धन्यवाद। शेष श्लोक अगले दिन।